motion of charged particle in uniform magnetic field. Motion of charged particle in uniform magnetic field. और दो तरह की मोशन हम डिस्कस करेंगे यहाँ। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कौन सा पार्ट, क्या, व्हेन मोशन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तब इसका मोशन कैसा रहेगा। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। ये मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन, करेक्ट। अब यहां से एक चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली एंटर करता है। चार्ज पार्टिकल का चार्ज है Q, मास है M और इसकी वेलोसिटी है V। V वेलोसिटी से M मास का, Q चार्ज का पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकली इनटू द प्लेन, वर्टिकली इनटू द प्लेन। और इस मोशन का क्या है, मोशन है इन द प्लेन। तो मैग्नेटिक फील्ड और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, मैग्नेटिक फील्ड और मोशन। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगती है, लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं इसे, लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, याद है आपको, मोशन फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। क्या है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, क्या है कि फर्स्ट फिंगर आप कीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर कीजिए आप करंट की डायरेक्शन में, या फिर करंट की डायरेक्शन ही होती है मोशन ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल। तो फिर जहां भी आपका ये थंब जाता है इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वो यहां हम अप्लाई करते हैं। देखिए ये है मैग्नेटिक फील्ड, मैंने अपनी फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन की, और ये आपकी हो गई मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अब आपका ये अंगूठा, अंगूठा कहां गया, जिस डायरेक्शन में भी अंगूठा जा रहा है इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। तो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स कितनी है, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स ये रही, Fm लिख देता हूं मैं इसको, मैग्नेटिक फोर्स किसके परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। और इस मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, याद कीजिए F इज इक्वल्स टू है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। F वेक्टर इक्वल्स क्यू, क्यू तो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस बी बी वेक्टर। यहां से भी अगर आप चाहेंगे तो वेक्टर के अकॉर्डिंग आंसर आपका कहां आएगा, फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। फोर्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां, इनटू द प्लेन, और फोर्स कहां, इन द प्लेन, दोनों परपेंडिकुलर। और ये आपकी वेलोसिटी है, फोर्स ये रहा, ये भी दोनों एक दूसरे के कैसे परपेंडिकुलर है, करेक्ट। अब ध्यान से देखिए, इस परपेंडिकुलर फोर्स के कारण पार्टिकल की मोशन का डायरेक्शन बदल जाएगा। जो पार्टिकल चल रहा था अलोंग एक्स एक्सिस, अब वो इस फोर्स के इन्फ्लुएंस से किसी और डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। कहां चलेगा, इसका डायरेक्शन बदल गया, सपोज ये यहां आया, देख रहे हैं? क्योंकि इसमें अपनी वेलोसिटी है तो अपनी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग तो आगे बढ़ता जाएगा, और क्योंकि इस पर एक फोर्स भी एक्ट करने लगा तो फिर फोर्स की डायरेक्शन में उठता चले जाएगा, पहुंचा यहां पर। अब यहां अगर आप ध्यान से देखें तो अब वेलोसिटी कहां है, थोड़ा बड़ा करते हैं इसे, अब देखिए ध्यान से आप, अगर यहां आप वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो आपको ट्रेजेक्ट्री, वॉट एवर बी द ट्रेजेक्ट्री, इस ट्रेजेक्ट्री पर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी. हेयर इज द वेलोसिटी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ मोशन अलॉन्ग द टेंजेंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जो भी ट्रेजेक्ट्री है उसके टेंजेंट के अलॉन्ग. और यहां अगर आप फोर्स फाइंड करेंगे, इस पॉइंट पर फोर्स फाइंड करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन, तो फिर फोर्स की डायरेक्शन अगेन आएगी आपकी कहां, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर. कैसे आएगी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर? ध्यान से देखिए, आपने फर्स्ट फिंगर की इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है, और मिडिल फिंगर आपने की इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर. देख रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मिडिल फिंगर कहां, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर. तो अब अंगूठा ये आपका थंब रिप्रेजेंट करता है किसे, फोर्स को रिप्रेजेंट करता है. तो अगेन फोर्स की डायरेक्शन कहां है, अगेन इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर. दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स. ध्यान से देखिए, फोर्स अब भी मैग्नेटिक वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो फिर पार्टिकल फिर मुड़ना शुरू हो जाएगा. पार्टिकल क्या हुआ, पार्टिकल फिर से मोशन की फोर्स की डायरेक्शन में मुड़ा, यहां पहुंचा. इस पॉइंट पर अगर आप वेलोसिटी वेक्टर ले तो अब वेलोसिटी वेक्टर बदल जाएगा. दिस इज वेलोसिटी वेक्टर, जो कि टेंजेंट के अकॉर्डिंग आपने फाइंड किया है. और यहां अगर आप फाइंड करेंगे फिर से मैग्नेटिक फील्ड, और इस बार देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर. देख रहे हैं मेरी उंगली को, तो फिर अंगूठा कहा गया, अंगूठा फिर से वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स. और होते होते क्या होगा, ये पार्टिकल एक सर्किल पर चलना शुरू कर देगा. ध्यान से देखिए, सर्किल पर क्यों चल रहा है पार्टिकल, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर हमेशा फोर्स वेक्टर के परपेंडिकुलर है. या मैं उल्टा बोल रहा हूं, फोर्स वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर. और जब किसी भी पार्टिकल पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रही हो, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लग रही हो, तो ये वाली फोर्स काम करने लगती एज ए सेंट्रिपिटल फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्स जिसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ को है. ये लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स ऐड करने लगी, कैसी, सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह से ऐड करने लगी. और इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, पार्टिकल का मोशन बिल्कुल सर्कुलर पाथ पर हो जाएगा. फोर्स की डायरेक्शन क्या है, फोर्स की वैल्यू है F इक्वल्स क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, या F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा. क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों ही वेक्टर है, और सामने भी रिजल्ट क्या आ रहा है, वेक्टर आ रहा है. तो वेक्टर वेक्टर की मल्टीप्लाई से कब आता है वेक्टर, जब दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो, ठीक है. क्रॉस प्रोडक्ट हटाने के लिए आपने क्या किया, क्यू वी बी साइन थीटा. और डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ, किस किस के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. डायरेक्शन कैसे निकालेंगे आप, गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करेंगे आप, ठीक है. अब क्या बना, सिंस द लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, किसके परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी वेक्टर. हेंस इट एक्ट एज सेंट्रिपिटल फोर्स, ठीक है. एंड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल इज सर्कुलर. और सर्कुलर पाथ पर चलने के लिए आपको जो सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, या वो लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. हेंस सेंट्रिपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, हेयर थीटा इक्वल्स 90 डिग्री। थीटा कौन सा है? थीटा वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है देखिए कहाँ, परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन, और वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर है। दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री का है। तो फिर अब आपके पास क्या बना? अब आपके पास देखिए v से v कैंसिल हो जाएगा, हमें एक्चुअली फाइंड करना है r। r इज इक्वल टू बन जाएगा आपका क्यू बी बाय एम वी मीटर। या उल्टा एम वी बाय क्यू बी, r इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी मीटर। ये आपका वेलोसिटी हो गई। इस एम वी को आप मोमेंटम भी लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं पी बाय क्यू बी मीटर। ठीक है, ये आपका हो गया रेडियस ऑफ रिवोल्यूशन। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ रिवोल्यूशन। रेडियस ऑफ रिवोल्यूशन, टाइम कितना लगेगा? टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या होगा? वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। वेलोसिटी कितनी होगी बताइए? वेलोसिटी तो है ही इसकी v, डिस्टेंस किससे तय चलना है इसे? 2 पाई r। अगर ये सर्किल पूरा करता है यहाँ तो फिर डिस्टेंस चलना पड़ेगा 2 पाई r। r की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 पाई r की वैल्यू एम वी बाय क्यू बी। तो v से v यहाँ कैंसिल हो गया, v से v कैंसिल होकर क्या बचा आपका देखिए क्यू बी बाय 2 पाई m और सेकेंड। ठीक है, t इज इक्वल टू आया कितना? क्यू बी बाय 2 पाई m सेकेंड। ओके, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन न्यू से लिख दीजिए या एन से लिख दीजिए, इज इक्वल्स टू 1/t। तो न्यू कितना बन जाएगा आपका? उल्टा हो जाएगा इसका, न्यू इक्वल्स 2 पाई m बाय क्यू बी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है 2 पाई इंटू न्यू, है ना, 2 पाई से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओमेगा हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m बाय क्यू बी रेडियन पर सेकेंड। और ये फ्रीक्वेंसी किस में आएगी? ये हर्ट्ज में आएगी। अब इससे आप ध्यान दीजिए कि रेडियस पार्टिकल की डिपेंड करेगी उसके मास पर भी, उसके चार्ज पर भी, लेकिन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या लिख दिया मैंने? r इज इक्वल्स टू कितना बना है? r इज इक्वल्स टू m v अपॉन क्यू बी मीटर। एक तो ये फॉर्मूला बना, और टाइम पीरियड कितना बनेगा? सरकमफ्रेंस यानी कि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? 2 पाई r और वेलोसिटी कितनी? v, 2 पाई r। ठीक है, और अब r की वैल्यू रख दीजिए आप 2 पाई बाय v इंटू एम वी बाय क्यू बी। वी से v कैंसिल हो गया, तो t इज इक्वल टू कितना बचा? 2 पाई m बाय क्यू बी सेकेंड। ध्यान से देखिए, टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि टाइम पीरियड के फॉर्मूले में वेलोसिटी गायब हो गई। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1 बाय टाइम, 1 बाय टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन जाएगा क्यू बी बाय 2 पाई m हर्ट्ज, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा इज इक्वल टू कितना बनेगा, 2 पाई से देखिए 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्यू बी बाय एम रेडियन पर सेकेंड। तो यहां से आपको साफ पता लग रहा है कि टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये डिपेंड नहीं करती वेलोसिटी पर। एक ही पार्टिकल है, देखो यहां से प्रोटॉन एंटर किया, एक बार प्रोटॉन ने कम वेलोसिटी से एंटर करा, अगली बार उसी प्रोटॉन ने ज्यादा वेलोसिटी से एंटर करा। वेलोसिटी पर रेडियस डिपेंड है, जब ज्यादा वेलोसिटी से इसने एंटर किया तो इसकी रेडियस बढ़ जाएगी, लेकिन दोनों ही बार इसको टाइम, पूरा सर्किल लगाने में टाइम उतना ही लगेगा, फ्रीक्वेंसी उतनी रहेगी। होगा क्या कि एक पार्टिकल ये है, चार्ज इसका q, मास इसका m और वेलोसिटी v1। कम वेलोसिटी से ये एंटर करा तो इसने ये रास्ता अपनाया वेलोसिटी v1 से, जिसकी की रेडियस है कितनी, r1। अगली बार फिर यही वेलोसिटी से, ये लार्जर वेलोसिटी v2 से एंटर करा इसने, तो अब क्या होगा, अब इसके सर्किल की रेडियस बढ़ जाएगी, रास्ता लंबा हो जाएगा, इसके लिए रास्ता लंबा हो जाएगा और वेलोसिटी भी बढ़ गई, रास्ता भी उतना ही लंबा हो गया, तो यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम भी उतना ही लगेगा। टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, जितना रास्ता लंबा हुआ उतनी इसकी वेलोसिटी लंबी हो गई, रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी, r2। अगर यहां आपका v1 लेस देन v2 है तो श्योरली r1 लेस देन r2 हो जाएगा, लेकिन t1 और t2 दोनों इक्वल रहेंगे, फ्रीक्वेंसी ν1 ν2 दोनों इक्वल रहेगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 ओमेगा 2 दोनों इक्वल रहेंगी, क्योंकि ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती। ये एग्जामिनर्स का बहुत फेवरेट फार्मूला है, ये छोटा सा फार्मूला है, बड़ा ही फेवरेट फार्मूला है, लगभग हर साल इसका क्वेश्चन लिखा होता है। कभी कहते हैं कि दो पार्टिकल है, सेम वेलोसिटी से एंटर कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, बताओ किसकी रेडियस ज्यादा होगी, किसका टाइम ज्यादा होगा। कभी कहते हैं कि एक प्रोटॉन है एक अल्फा पार्टिकल है, सेम मोमेंटम से एंटर कर गए, अब बताओ किसकी रेडियस ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। कभी कहते हैं एक प्रोटॉन है एक अल्फा पार्टिकल है, सेम वेलोसिटी से एंटर कर गए, बताओ अब इनके टाइम पीरियड किस रेशियो में होंगे, अब इनका रेडियस किस रेशियो में होगा, ओमेगा किस रेशियो में होगा। छोटा छोटा सा वेरिएशन करते हैं, छोटा सा फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। आर की वैल्यू डिपेंड करती है रेडियस पर, टाइम पीरियड वेलोसिटी पर, रेडियस भी, रेडियस डिपेंड करती है वेलोसिटी पर, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करता वेलोसिटी पर, ठीक है। और अगली डेरिवेशन में इसका यूज होने वाला है, ये बात पक्का समझ गए कि आर डिपेंड करेगा, रेडियस डिपेंड करेगी वेलोसिटी पर। वेलोसिटी बढ़ गई अगर पार्टिकल की तो रेडियस बढ़ जाएगी, लेकिन उसका टाइम नहीं बढ़ेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी जो की तो बनी रहेगी, ठीक है। कीजिए इतना।